हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, ना कोई गाजरों को घिसना पड़ेगा और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होगा, वो भी मिनटों में झटपट। और ये हलवा जो होगा, आप इसे काफ़ी हफ्तों तक इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं व्यूवर्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमने आधे किलो गाजरों को छील कर धो लिया है और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से, ये देखिए। अब हम इसको अपने चॉपर में बस 30 सेकंड चलाएंगे। आप चाहे मिक्सी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपको कढ़ाई में बनाना सिखाएंगे। देखिए, हमने बस 30 सेकंड करके दो बार अपने ये चॉप किए हैं गाजरों को, और देखिए कितनी बारीक कितनी फाइन हमारी गाजरें चॉप हो गई है। हमें घिसने की भी ज़रूरत नहीं है, ये काम तो हमारा देखिए कितना सेकेंड में हो गया है। अब बस हमें इसको बनाना है। तो देखिए, कढ़ाई में हमने ये गाजरों को डाल लिया है और इसके अंदर हमने हाफ कप दूध डाला है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके हाफ कप और डालेंगे व्यूअर्स। अब इसको हमें पकने देना है। अगर हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो हमें दो विसल में इसको निकाल लेना है। देखिए, इसमें ये बॉयल आ गया है। भाई, हमने शुगर ली है, ये हमने मावा लिया है खोया, ये हम आपको दिखा रहे हैं, और हमने देसी घी लिया है, ये 1 सर्विंग स्पून होगा, ये देखिए। अब बस हमें ये बॉयल आया है तो हमें खोल खोल के देख लेना है कि हमारी गाजरें जो है गल गई हैं, और जो दूध जो पानी छोड़ता है, इसका जो पानी है ड्राई हो जाना चाहिए। दूध को अच्छे से भून लेना चाहिए हमें दूध में। कुछ लोग पानी में भी भूनते हैं, लेकिन जो टेस्ट दूध में भून कर गाजरों को आता है वो पानी में नहीं आता। तो आप गाजरों को हमेशा दूध में ही भूनिए। ये देखिए, हमने 2-3 बार इसको खोल कर देखा है, अब भी इसमें काफ़ी दूध है। इसका दूध हमें सारा ड्राई कर लेना है। व्यूअर्स, मेरे चैनल पर पहले भी गाजर की हलवे की रेसिपी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। उसमें हमने घिसकर गाजरों को बनाया था, वो भी बहुत ही अच्छी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। लेकिन इस बार हम अब टाइम कम में है, लोगों पास टाइम कम है, इंस्टेंट बनाना है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। अभी देखिए, इससे दूध जो है कितना ड्राई हो गया है। और व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, इसमें आप लौंगे कभी ना डालिएगा, क्योंकि जो लोग शादी में कभी कभी हम हलवा खाते हैं उसमें लौंगों का फ्लेवर जो आता है वो बहुत ही अजीब लगता है, तो उसको मत डालिएगा। सिर्फ हम इसमें इलायची डालेंगे, हरी इलायची 2, आप चाहें तो उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें हमने चीनी डाल दी है जो कि 3/4 कप है। इसमें देखिए, चीनी डालते ही थोड़ा सा पानी छोड़ती है, और देखिए हमारी गाजरों में कितनी शाइन आ गई। अब हमने ये मेल्ट करके देसी घी को 2 से 3 ग्रीन कार्डमम जो होती हैं वो हमने इसमें डाल दी हैं। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। आप लौंगों को ना डालिएगा, ये मेरे एक टिप है। आपका गाजर के हलवे में आप लौंग डाल देंगे तो आपसे गाजर का हलवा एक अजीब टेस्ट आ जाता है उसमें, मतलब खाया नहीं जाता। अभी देखिए, हमारा हलवा जो है घी में भुन गया है, और घी में भुनते ही इसके अंदर कितनी अच्छी शाइन आ गई, दानेदार हलवा हमारा बन रहा है। व्यूवर्स, देखिए, हलवे में जब तक दाना ना हो मज़ा नहीं आता। व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारा मावा है खोया, वो हम इसके पकते में डाल देते हैं। यानी इस टाइम हमारा हलवा जो है वो भुन रहा है, भुन भी गया है काफ़ी, और जैसे ही वो भुनेगा इसकी पहचान है कि घी जो है वो थोड़ा घी छोड़ देता है हलवा। और ये देखिए, साइडों से इसके घी निकल गया है, और ये हमारा हलवा बनकर मिनटों में तैयार हो गया है। अब बस हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे हम कद्दूकस करके हमने इसमें खोया डाला है, थोड़ा वैसे डाला है, और थोड़ा सा हमने बादाम डाले हैं इसमें काट कर। आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। व्यूअर्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए जब भी आप ट्राई करें आपका हलवा कैसा बना है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।